So, hello everyone, guys. So, आप सब लोगों का फिर से एक बार एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो में बेसिकली ये मेरी माइनक्राफ्ट की फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो माइनक्राफ्ट पर डाला था, जिसमें मैंने एक हाउस मोड के ऊपर वीडियो बनाया था, दूसरा मैंने एक सर्वाइवल सीरीज बनाया था। मैं उस सीरीज को करने वाला हूं प्राइवेट, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। उस वीडियो में मैंने कुछ कुछ पार्ट क्रिएटिव में जाके बनाया था और मुझे बहुत ही पछतावा इस बात का कि मुझे इस गेम को नहीं खेलना आता। लेकिन आज मैंने ठीक किया कि आज से माइनक्राफ्ट को मैं लेने वाला हूं सीरियसली। तो अगर तुम लोगों को माइनक्राफ्ट पसंद है तो फिर आ जाओ गाइस, आज से हम खेलने वाले सीरियसली माइनक्राफ्ट। ये मेरी माइनक्राफ्ट की पहली पार्ट होने वाला है और आज से तुम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 10, 150, 200 पता नहीं कितने एपिसोड आने वाली है, मुझे नहीं पता। और ये मेरी माइनक्राफ्ट की फर्स्ट एपिसोड होने वाली है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। So, फिलहाल तो मैं अभी एक पेड़ के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, लिटरली अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। So, सबसे पहले तो मुझे इस पेड़ से उतरना पड़ेगा। देन अभी सबसे पहले माइनक्राफ्ट के अंदर आने के बाद एक नया बंदा क्या करता है, वो पेड़ तोड़ता है। तो हम लोग भी पहले कुछ वुड्स इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे के बारे में बात करता हूँ। तो चलो फटाफट वुड्स इकट्ठा करते हैं। और ये डन। और इसी के साथ मेरे पास अभी 14 वुड्स हो चुके हैं और इसकी मदद से मैं अभी क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। लेकिन मैं मेरी रेसिपी को देखने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाते हैं, तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनता है। ओके, मैं रेसिपी देख लेता हूँ। 4 ऐसे ओक प्लैंस को ऐसे बिठा के बनता है क्राफ्टिंग टेबल। ओके, आज से मैं जब भी कभी क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा मुझे रेसिपी देखने की कोई जरूरत। ओके, मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल ले लिया और अभी मैं काम करता हूँ, मेरी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रखता हूँ और कुछ बेसिक स्टूल बना लेता हूँ। और इधर अंधेरा भी हो रहा है यार, मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा। ओके, सो अभी चलो कुछ ओक प्लैंस ले लेते हैं और अभी मुझे स्टिक्स भी बनाना होगा। तो 4 स्टिक और 2 मेरे पास ओक प्लैंस है, तो मैं और 4 ओक प्लैंस ले लेता हूँ। मेरे पास 6 ओक प्लैंस एंड 4 स्टिक्स हो गए, तो अभी मैं इससे कुछ शॉट बना सकता हूँ। लाइक अभी रात हो रहा है तो मुझे एक शॉट की जरूरत है, क्योंकि अभी जॉम्बीज एंड क्रीपर्स वगैरह स्पॉन होने वाली है और मेरे पास अभी बेट नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं एक एक्स भी बना लेता हूँ, क्योंकि शॉट से ज्यादा एक्स से ज्यादा डैमेज होता है, मुझे ये पता चला है। तो अभी के लिए तो मैं इस दोनों चीजों पे एजिफेंट होने वाला हूँ। और अभी मैं फटाफट एक काम करता हूँ, मेरा जो क्राफ्टिंग टेबल है मैं उसको तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग टेबल की बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं फिर से बनाऊं। तो अभी चलो यहां से चलते एंड कहीं पर जाके आज की रात को गुजारते हैं। एंड कल जब सुबह होगा सबसे पहले हम एक बेड बनाएंगे एंड और थोड़ा सा वुड्स तोड़ेंगे एंड और थोड़ा सा खाना लाएंगे, जैसे कि मैंने इसको मार दिया ऐसे ही। तो चलो फटाफट अभी एक जगह ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि सबसे सेफ जगह एक पेड़ ही होगा, तो मैं तो एक पेड़ के ऊपर उठने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा डट्स की जरूरत है। तलवार से डट्स तोड़ रहा हूँ, वाओ नाइस, आई एम प्रो। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इस डट ब्लॉक को मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, देन इसको तोड़ता हूँ, देन ऊपर वाले को तोड़ना पड़ेगा मुझे, देन मैं यहाँ पर आता हूँ और अभी मुझे ऊपर वाला भी तोड़ना पड़ेगा। ओके, मैंने तोड़ दिया और मैं ऊपर भी आ गया। अभी मैं इधर आता हूँ, देन मैं इधर आता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, देन इसको तोड़ता हूँ, देन अभी इधर आता हूँ, एक ब्लॉक नीचे वाला तोड़ता हूँ। मेरे पास एक्स है तो मैं एक्स इसको तोड़ सकता हूँ, क्योंकि वुड्स तोड़ने के लिए एक्स होता है। ओके, मैं आ गया यहाँ पर, अभी इस ब्लॉक को यहाँ पर रखते। ओके, सो गाइस अभी के लिए तो मैंने एक पेड़ को मेरा घर बना लिया है, तो आज रात तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। नीचे जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई मॉब्स आके मार ही देगा। तो चलो फटाफट रात को गुजरने की इंतजार करते और सुबह उठ के बहुत सारे काम करना है मुझे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से सुबह हो चुकी है और मेरी पेड़ वाली खूबसूरत घर को छोड़ने का टाइम अभी आ चुका है। और नीचे रात में मुझे बहुत डर लग रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कब कौन सा मॉब्स आके मुझे मार दे। और कोई बात नहीं, पर मैं अभी यहाँ से लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी चीजें नहीं, तो एक भी चीज मैं पीछे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सो अभी मैंने कुछ चीजें मेरी डायरी पे यहाँ पर लिख कर रखा है, उनमें से फर्स्ट वही चीजें जो तुम लोग बेसिकली करते हो, फाइंड विलेज, क्रिएट होम, फाइंड फूड, क्रिएट बेसिक टूल एंड क्रिएट फार्म एंड अदर जितने चीजें होते हैं वो बेसिक चीजें मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक अपने लिए बेड बनाना है, देन विलेज ढूंढना है, देन बाकी बहुत कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ सीप्स को ढूंढता हूँ जिससे मुझे उल मिल जाएगा और उल से मैं बना सकता हूँ अपने लिए बेड। तो सबसे पहले मैं तो इसको मार देता हूँ कि मुझे फूड की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अबे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है, इधर 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 इधर, अरे मैं इधर हूँ, आहा बोटे। ओके, सो चलो इसको मार दिया। अभी सामने एक और पिक दिख रहा है मेरे को, अरे रुक जा भाई, कहाँ भाग मत ऐसे। ओके ओके, ये भी मर गया। ओके, मुझे फूड मिल चुका है, मेरे पास अभी 5 चिकन पीस हो चुके हैं। चिकन नहीं, ये मटन है या फिर कुछ और बोल सकते, मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम लोगों को बताए तो तुम लोग मुझे बताना कि चिकन को मारने के बाद अगर उसको चिकन मीट बोलते तो फिर पिग को मारने के बाद उसको क्या बोलेंगे, पिग मीट शायद ऐसा ही कुछ। Okay, so guys, अभी मैं इस बड़े जंगल से बाहर निकल के खाली मैदान में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पर भी शिप नहीं। ओ दिखा दिखा दिखा, मेरे को एक दिखा भाई, मैं अभी बोलने वाला था, मेरे को एक भी नहीं दिखा, लेकिन मेरे को एक शिप दिख गया। लेकिन वहाँ पर एक ब्लैक शिप है एंड एक व्हाइट शिप है, दोनों को मार के मुझे काम नहीं होगा, मुझे उन जगह से सिर्फ एक एक उल्ली मिलेगा और क्या पता मुझे उल ना भी मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे काउस भी है, लेकिन मुझे काउ की कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी शिप की जरूरत है क्योंकि मुझे बेड बनाना है। ओके, मुझे यही पर ही दिखा था यही कहीं, ओ ये रहा, अरे दो दो मिल गए, दो नहीं बहुत सारे, अरे रुको
मुझे 3 उल मिल चुका है। अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर प्लेस करता हूँ, देन अभी देखता हूँ बेड कैसे। ओके मेरा बेड बन चुका है, नहीं मुझे ये अच्छा नहीं बन चुका है मेरे पास है, ये है ना मेरे पास। ओके मैं इसको ले लेता हूँ, अभी मेरा बेड बन जाएगा ना। ओके अभी हमारे पास एक बेड भी आ चुका है, तो अभी मरने का कोई डर तो मुझे नहीं है, मैं अभी दिन रात काम कर सकता हूँ। ओके मेरे क्राफ्टिंग टेबल को भी यहाँ से उठा लिया और इस ब्लैक शिप को भी यहाँ पर रख के क्या करूंगा, ये सारे दोस्त मर चुके, तू भी मर जा भाई, इधर आ जा इधर इधर। ओके मार दिया इसको भी। ओके अभी चलो हम लोग का नेक्स्ट काम करते हैं, जो है कि हम लोगों को एक विलेज ढूंढना है, तो चलो विलेज ढूंढते हैं। ओके गाइस मैं ढूंढ तो रहा था विलेज, लेकिन विलेज ढूंढते मुझे एक बहुत ही रेयर चीज मिल चुका है। मैंने बहुत सारी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में देखी हुई, टर्टल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और टर्टल की एक्स तो मिलता ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्या इन लोगों को मैं अटका दूं यहाँ पर, मुझे लगता है मुझे इनको अटकाना चाहिए, पर इसके लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर प्लेस करना होगा एंड प्लेस कर दिया। और अभी मुझे बनाना है, ओके मैं देख लेता हूँ मुझे बनाना है ओके मुझे ये बनाना है, इसके लिए मुझे चाहिए वुड प्लैंक चाहिए एंड स्टिक्स चाहिए। ओके मेरे पास कुछ वुड्स तो भरा हुआ है ना, तो मैं इससे बना लेता हूँ ये 2। ओके से बन गया मेरा 14 एंड बाकी जितने भी ऐसे में स्टेक बना लेता हूँ 4-8। ओके मेरा बन गया, अब भी मैं इससे बना लेता हूँ ये चीज। ओके मैं बना लेता हूँ, मेरे जितना भी उतना बना लेता हूँ। ओके मेरे को यहाँ से कितना मिला, ओके बहुत मिल चुका है, 27 मिल चुका है। अभी मैं इन लोगों को अटका देता हूँ यहाँ पर एक। सॉरी ब्रो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तुम लोगों की तुम लोग मुझे मिलोगे नहीं, तो इससे अच्छा मैं यही करता हूँ कि तुम लोगों की फार्म बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके कोई मत भागना यहाँ से, अरे भागो मत, तू भी आ जा भाई अंदर, तू अकेला जाके क्या करेगा। ओके मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं बना रहा हूँ, कि ज्यादा बड़ा बना दूंगा, मेरे पास इतने सारे चीजें नहीं है, वो लोग ऊपर से तो नहीं भाग जाएंगे ना, पता नहीं मैं थोड़ा सा और गड्ढा कर दूंगा बीच में। अरे यार मेरा खत्म हो गए सारे के सारे, मैंने सोचा 27 मैंने बहुत बना दिया, भाई अंदर जा अंदर जा ऊपर क्या कर रहा है भाई, हवा में फ्लोट कर रहा है, देख रहे हो हवा में फ्लोट कर रहा है, ये लोग तो भाग रहे भाई। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ब्लॉक वगैरह कुछ पड़ा हुआ, ओके मेरे पास ये ब्लॉक है, अरे अंदर जाना, मारना नहीं चाहता हूँ मैं तेरे को, तू बहुत रेयर होता है, अरे ऊपर से भाग जाएगा, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। चलो ऐसे फटाफट यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, तो मैं पेड़ काट लेता हूँ। ओके गाइस अभी मेरे पास फिलहाल 13 वुड्स हो चुका है और आई थिंक अरे सब लोग भाग गए भाई, सब लोग भाग गए, मैं वुड्स लेके क्या करूंगा, इतने सारे ये बना लेके क्या हुआ, सारे भाग गए, ये कि यहाँ पर जिंदा है भाई, ये सब तोड़ो ये सब तोड़ो। अबे नहीं भाग मत तेरे को ही रख देता हूँ यहाँ पर, भाग मत प्लीज आगे चल, इधर चल बेटे, भाग मत चल ऊपर चल, अरे चल ना, अरे यार इतना कोशिश किया, इतना मेहनत किया पर सारे भाग गए यार, सारे भाग गए, मुझे लगता है बाद में मुझे जब जरूरत पड़ेगा तब मुझे मेहनत ही करना पड़ेगा क्या भाई, ऊपर से मेरा एक्स भी टूट चुका है इन लोगों के चक्कर में और मेरे इतने सारे वुड्स भी बेकार हो गए भाई। मैं काम करता हूँ सारे यहाँ से उठा लेता हूँ भाई, मैं नहीं छोड़ने वाला एक भी। ओके, सारे ओक फ्रेंड्स जितने भी थे यहाँ पर मैंने सारे को तोड़ लिया, मेरे हाथ में झाले पड़ गए, इधर सूरज भी जा रहा है और चंदा मामा भी यहाँ पर उठ रहे, पर अभी मेरे को डरने की कोई बात नहीं, और एक टर्टल इधर पानी में जा रहा है ऊपर आ रहा है। मैंने देखो कितना मुश्किल से अटका था, पर ये लोग चले गए, मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट गाइस, फिर से सुबह मिलता हूँ तुम लोगों से। ओके तो सुबह हो चुके हैं, फटाफट मेरे बेड को मैं ले लेता हूँ और हाथ में मेरी तलवार लेके हम लोग फिर से एक बार फाइंड करने चलते हैं विलेज को। अभी देखो फिर से एक बार मैं ढूंढ रहा था विलेज, लेकिन मुझे यहाँ पर एक साथी मिल चुका है, मैंने सोचा कि मैं एक अकेले सब कुछ करूँ, इससे अच्छा तो मैं एक साथी भी ले लेता हूँ, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल से देखता हूँ कि मैं नेम टैग बना सकता हूँ क्या, नेम टैग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे ये भी नहीं पता यार, नेम टैग मैं सर्च करके देखता हूँ नेम टैग। ओके नेम टैग बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं नेम टैग, हम लोग को ये 6 चाहिए ओक प्लैंक एंड चाहिए हम लोग को स्टिक 1। ओके मैं बना लूंगा यार, अभी बना लेता हूँ मैं, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको प्लैंक में बदल लेते हैं, तो इतना 4 काफी होगा, 4 से जितना बनता है उतना। अभी इसको यहाँ पर स्टिक मेरे पास है तो मुझे स्टिक की जरूरत नहीं, तो मुझे रखना है यहाँ पर 1। ओके 1 2 3 4 5 6 यहाँ से सारे को उठा लो भाई, सारे उठाओ यार, अरे उठा लेना भाई। ओके मुझे 1 रखना है यहाँ पर, ओके और मुझे 1 स्टिक लेना है और यहाँ पर 1 रखना है। ओके मेरा नेम टैग बन चुका है, 3 नेम टैग मिल गया भाई, बहुत ज्यादा। और अभी डॉग्स का आ गए, अबे यार ये क्या भाई, मैं जब भी कुछ करने की ट्राई करता हूँ हमेशा जिसके लिए करता हूँ वो भागे जाता है, वो रहा भाई। मुझे बेसिकली मुझे ये भी नहीं पता कि नेम टैग देने के बाद डॉग मेरा फ्रेंड बनता भी या फिर नहीं, भाई मुझे नहीं पता, मैं नेम टैग में नेम दे देता हूँ, पहले इसका नाम देंगे हम, मेरा नाम टाइफून है तो इसका नाम दूंगा मैं टीफ। पहले मैं इसको एक मीट देता हूँ, मीट ओके ले ले भाई, अभी तो मेरा फ्रेंड बन जा, ऐसे बनेगा क्या फ्रेंड। ओके इसका नाम टी आई
क्या तू मेरा फ्रेंड बन गया भाई? बेसिकली मुझे पता भी नहीं। आजा आजा इधर आजा। अरे नहीं बना वो मेरा पेट। नहीं बना। अरे नहीं बना रे भाई। क्या भाई, अब मेरे को लगा कि ऐसा करूंगा तो मेरा फ्रेंड बन जाएगा। यार क्या कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि पेट कैसे बनाते हैं यार कुत्ते को? बता ना, बन सकता है क्या तू मेरा पेट? नहीं बन सकता। वो फाली पीली मेरे नेम टैग बनाया। अरे प्लीज यार कोई मुझे कमेंट में बताओ कि पेट कैसे बनाते। चल यार बाद में मिलता हूँ तेरे से, अभी तो चलो फिर से एक बार ढूंढते विलेज को। गाइस मुझे कोई बताएगा कि ये विलेज ढूंढ ढूंढते मुझे और क्या मिलेगा? मुझे टर्टल मिल गए, मुझे डॉग्स मिल गए, मुझे और पता नहीं क्या क्या मिले थे। लेकिन आप मुझे एक और चीज मिल चुका है। बेसिकली मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते, पर तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो यार। ऐसा मानो कि तुम लोग अभी मेरे टीचर हो, मुझे जो कुछ भी पता नहीं होगा मैं तुमसे बोलूंगा और तुम मुझे कमेंट में बताओगे। तो इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना, और डॉग को कैसे अपना पेट बनाता है वो भी बताना। अभी यहाँ पर जाना आई थिंक मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इधर जाऊंगा तो मेरी जान भी बन सकती है, तो मैं इसके दूर से जाने वाला हूँ। फिर चलो एक बार फाइंड करते हैं विलेज को। भाई साहब लिटरली फाइनली मुझे विलेज मिल चुका है। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इस विलेज को ढूंढने के लिए मैंने कितना मेहनत किया है, मैंने कितने सारे बायोम पार कर दिया, कितने सारे क्या पार कर दिया, लेकिन आखिरकार मुझे मेरा मेहनत का फल मिल चुका है, मुझे मेरा विलेज मिल चुका है। और अभी चलो फटाफट विलेज में चलते हैं और एक विलेजर्स के घर में घुस के अभी के लिए सोते हैं और सुबह काम शुरू करेंगे, क्योंकि रात होने वाली है। यार यार मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता मुझे कितना खुशी हो रहा है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार विलेज ढूंढा है, लेकिन आज से पहली बार मैंने मेहनत करके विलेज ढूंढा है। तो चलो इसी वाले विलेजर्स के घर में घुसते, और ये वाला घर कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये लाइब्रेरियन का घर है। और पर फ्लोर में जाकर देखते हैं कोई सोया है क्या। नहीं, कोई भी नहीं सोया है, इधर भी कोई नहीं सोया है। तो अभी के लिए तो मैं इसके घर के यूज करने वाला हूं। और मेरी बेड का आ गया, मेरा बेड है ये व्हाइट कलर का बेड है मेरा, तो इस बेड को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, इस विलेज में मेरी फर्स्ट दिन में तुम लोगों को स्वागत है। और अभी चलो नीचे चलते और जाके देखते कि इस विलेज में मुझे क्या मिलता है। वैसे इस घर में तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे ये तो पता ही है। इतना गरीब हो गया तुम लोग, कोई टेंशन मत करो, मैं आ चुका हूँ ना, अभी तुम लोगों को अमीर बना के चलूं। गेट क्यों बंद कर रहा है, मेरे को तो आने दे। ओके तेरे घर पे एक क्रेट तो है भाई, रुक जा देखते। ओ गोल्ड, सीरियसली गोल्ड मिल गया मुझे यहाँ से, और बहुत सारे पेड्स। और ये क्या है, ऑब्सिडियंस, ऑब्सिडियंस मिल गया मुझे। भाई साहब क्या लूट था इसके घर में भाई, सोचो मतलब मुझे लगता है कि ये इस पूरे छोटे से गांव के सबसे अमीर इंसान है। ये तो नॉर्मल हाउस है, मुझे लगता है इस घर में मुझे कुछ। अरे भाई दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, मेरे को अंदर तो आने दो। इस घर में मुझे पता था इस घर में मुझे कुछ भी लूट नहीं मिलने वाला, और ये बार बार दरवाजा क्यों बंद कर देता है। वैसे ये गांव उतना भी, ओ भाई साहब देख रहे हो तुम लोग, मुझे यहाँ पर भी लूट मिलेगा। चलो चलो जल्दी चलते, अभी तो मजा आया ना भाई। मुझे नहीं पता था कि इस विलेज में आने से मुझे इतना ज्यादा मिलने वाला है फायदा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए शायद मुझे। ओ मुझे एक गोल्ड लेगिंग्स मिल चुका है, और एक गोल्ड प्लेट मिल चुका है, और ऑब्सिडियंस भाई साहब, और मुझे फ्लिंट भी मिल चुका है। वाह भाई वाह, मैं काम करता हूँ पैंट को पहन लेता हूँ, अभी पैंट मेरे पास है तो इसको पहनना तो पड़ेगा कभी भी। अभी देखो एक चीज तो अच्छा होगी, मैं जब भी चाहूँ मैं नेदर में जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आधा बना हुआ है और यहाँ पर और भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मुझे इसे तोड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, क्योंकि ये सब बहुत हार्ड होता है तुमको पता ही है। अभी देखो यार मैंने एक चीज ठीक किया है कि इस घर में कोई बेड नहीं है, तो मैं काम करता हूँ इस बेड को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अरे लग जा भाई, ओके। और मेरा स्पॉन पॉइंट को भी मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, तो मैं जब भी मैं रहूंगा इधर स्पॉन होगा। तुमको पता है यार इतना बोलने की जरूरत नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन ये घर एक दिन में नहीं बनेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, वो सामने जो जगह है ना, तो आज मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ सामने वाली जगह को एकदम फ्लैट करता हूँ, एकदम फिक्स कर लेता हूँ, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे घर बनाना। अभी मेरे पास बेसिक टूल्स तो है कुछ कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं झूठ बोल रहा था। चलो पहले टूल्स बना लेते हैं, आ गया ये रहा। और अभी देखते हैं कि हम लोगों को, ओ मैं गोल्ड का पिकेक्स बना सकता हूँ, लेकिन तुम में से किसी दोस्त ने मेरे को बोला था कि गोल्ड का पिकेक्स से आयरन का पिकेक्स ज्यादा पावरफुल होता है, तो मैं एक शावल बना लेता हूँ। ओके मुझे शावल, क्योंकि मैं अभी जमीन ठीक करने वाला हूँ, तो मुझे शावल की जरूरत है। गाइस मैंने ये वाला जगह इसलिए फिक्स किया क्योंकि मुझे इधर बहुत सारी जगह मिलने वाला है, और इधर मुझे ज्यादा जगह नहीं मिल रहा है, पर मुझे डर्ट्स की जब जरूरत होगी तो मैं ये पहाड़ तोड़ के डर्ट्स बना सकता हूँ। तो अभी चलो फटाफट काम शुरू करते, इस जगह को फ्लैट करते। चलो पहली शुरुआत इससे करते। अरे बाप रे बहुत ज्यादा फास्ट है यार गोल्ड वाला, हाँ बहुत फास्ट है, लेकिन यार ये तो टूटने वाली है यार, इससे क्या मैं कैसे करूंगा। बस टूट गया टूट गया टूट गया एंड टूट
डिग गया। अभी मुझे लकड़ी से ही काम करना पड़ेगा, क्या यार। ओके, सो क्रफ्टिंग टेबल का यूज करके मैंने 1, 2, 3, 4 शावल बना लिया, 4-5 शावल बना लिया। और अभी रात भी हो रहा है, तो चलो फटाफट मेरी होम में चलते और जाके सोते और कल सुबह एकदम फटाक से काम करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, चलो अभी काम करना है मुझे बहुत सारा। चलते और मुझे खाना भी खाना है, लेकिन मैंने हाँ इस वाले जगह पे मैंने खाना बनने के लिए छोड़ दिया था। चलो देखते खाना कैसे बना है। और खाना बना नहीं बना, ओ यार लिटरली, तो मतलब इससे ये वाली खाना नहीं बनती है, कैसे बनते है मुझे नहीं पता यार। तो मुझे अभी कच्चा मिट्टी खाना पड़ेगा यार, बहुत सारे पीक से इसको मार देता हूँ। ओके, चलो मैंने खाना खा के मेरा हिल पूरा फुल कर दिया है, मतलब कि ये धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो चलो अभी काम शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, विश्वास नहीं करोगे तुम लोग, मैंने कम से कम ये लकड़ी वाला शावल मैंने कम से कम 25-30 यूज कर लिया, और अभी भी मेरे पास 1-2-3 पड़ा हुआ है। और ये देखो कितनी बड़ी जगह को मैंने साफ कर दिया, लेकिन अभी मेरा पूरा इन्वेंटरी भर चुका है डट्स से, और अभी मैं इस डट्स का यूज करने वाला हूँ, मेरी काम में लगेगा ये, क्योंकि ये जो जगह है ना इनको मुझे डट्स से भरना भी तो है ना, क्योंकि देखो यार ऐसे तो नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे पूरी जगह को ऐसे समान बनाना है, समझ रहे हो तुम लोग। तो चलो फटाफट डट्स लगाते हैं अभी। यार बहुत ही टफ काम था यार, अभी इतना सा बाकी इतना कर देते, और मैं बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से कर रहा हूँ, नीचे मैं ऐसे खाली रख रहा हूँ यार। इतना डट मेरे पास थे, मैंने सोचा था मेरे पास इतने सारे डट है, लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे कम पड़ जाएगा, तो मैंने इस जगह पे सिर्फ नीचे खाली रखा और ऊपर से डट्स लगा दिए, और यहाँ पर कुछ ज्यादा डट्स लगा दिए, मैं बहुत ही स्पीड से काम कर रहा था, और ऊपर लग गई तो इनको हटा देते। और बाकी देखो मैंने कितना काम किया, कितनी बड़ी जगह मैंने सब किया, इधर से लेके इधर 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 मैंने पीछे भी किया थोड़ा सा, बाकी अगर बाद में जरूरत पड़ेगा तो फिर और बना लेंगे क्या यार, जगह का कमी थोड़ी ना यार। चलो फटाफट इन डट्स को हटाते हैं। सो गाइस मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया, मैंने खुद के लिए टूल्स बना लिए, मैंने खुद का घर बनाने के लिए जगह भी बना लिया, मैंने एक विलेज ढूंढ लिया, मैंने खाना भी ढूंढ लिया, और अभी फिलहाल के लिए तो मैं काउ वालों का खेती यूज करने वाला हूँ। तो मेरी फर्स्ट माइनक्राफ्ट एपिसोड यहीं पर करते फिनिश्ड। सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को अगर ये वाला वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना जो जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से पूछा है। चलो गाइस गुड नाइट एंड बाय बाय।